ब्रिज बन रहा था और बन के तैयार हुआ और एक महीने में गिर गया और उसका आप कोई ही मुझे एक्शन नहीं। बताइए कि कितने लोगों को सस्पेंड किया गया, कितने लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर किया गया है, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है आपके। यदि हम जो है सभी गाड़ियों में नीचे हमारा एक वो देखिए, एक वीडियो हमने जारी किया था अभी, मैं एक तो एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन का हमने वीडियो जारी किया है, दूसरा हमने एक्सीडेंट फ्री भारत का किया है, जिसमें हमने कहा है कि इट विल बी नॉट ओनली दैट एक्सीडेंट फ्री, इट विल बी ट्रैफिक लाइट फ्री ऑल्सो, देर विल बी नो कोलिजन। आप उसको सुनिए जरा, इट इज गिविंग 1 2 3 4 5 स्ट्रेटेजीज कैसे होगा, इट इज डूएबल इन नो टाइम, विद इन 3 मंथ इट इज डूएबल। बस लोगों को थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, ट्रैफिक लाइट गायब हो जाएंगी। अच्छा देन जो है वाई जो है ना, आई लाइक नितिन गडकरी अच्छी बात कर रहा है, कम से कम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा है। ही इज टेकिंग द मीटिंग ऑफ ऑल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर्स, इथेनॉल बेस बना रहा है, उसको ग्रीन कर रहा है। वी शुड ब्रिंग अवर इम्पोर्ट ऑफ द POL जस्ट टू जीरो। The crime free Bharat very strongly believe that it will be having all jo hai na is energy requirement which will be very heavy because digging the pits for the aquaculture across the jo hai na all fields in the whole country and they will be connected with one field to another field, that will be Herculean task. Uske liye akele ke liye POL ka requirement kitna hoga, isliye jo hai na it is very important that instead of depending on the POL, it should be through our green energy, our CNG, our जो है ethanol, our जो है hydrogen, our जो है even tidal energy. Very smart जो ना methodology could be adopted, could be created for harnessing your tidal energy. You are having such a vast जो है ना area, how much we can really get it and देन हम अकेले किनारे पे क्यों करें, हम तो 20 से भी हाइडल एनर्जी को ले सकते हैं। तो बेसिकली इट रिक्वायर्स द इमेजिनेशन। आपकी जो है ना सब ब्यूरोक्रेसी, हर कोई तो जो है ना अपने अपने धंधे में लगी हुई है, वो नेताओं को खुश करने से जो है ना उनको कुछ फुर्सत मिले तो बाकी चीजें सोचें। और क्यों सोचें बताओ, यदि उनको प्रसन्न करेंगे तो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिल जाएगा, कहीं के गवर्नर बन जाएंगे, कभी के वो बन जाएंगे। पब्लिक के बारे में क्यों सोचा जाए, आप मुझे बताइए क्यों सोचा जाए। साहू जी, जी जी क्यों सोचा जाए बताइए। अब तो सही बात साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और साहब तो लगे हुए हैं हम लोगों के साथ देश को समाज को बदलने के लिए। मेरा ये बहुत जोर से मानना है, क्या ये सरकार मानेगी ये सारे पॉइंट? तो भैया सरकार नहीं मानेगी, सरकार नहीं मानेगी। देखो हमारी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होना चाहिए। हमारी पहली स्ट्रेटेजी होना चाहिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट। हम आज से यदि उनको जो है ना कंपेल करना चालू करेंगे, जितने जैसे जैसे चुनाव पास में आएगा उन्हें बुरे बुरे सपने आना चालू हो जाएंगे, लेकिन वो सपने आज से देना होंगे, बुरे बुरे सपनों का जो है ना बैकग्राउंड आज से क्रिएट होना, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के शासन को ही एज इट इज अडॉप्ट किया है, तो इसे अभी आजादी बिल्कुल ना मानी जाए, ये इसे असली आजादी की लड़ाई मानी जाए। ये वो तंत्र जिसने जो है ना अंग्रेजी शासन के लिए बनाया गया, जो आपको ह्यूमिलेट करने के लिए बनाया गया, जो आपको जो है ना इतने कठिन रूल बनाए गए कि जिनको आप कंप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, जिसमें डिस्क्रिशन जो है ना इज हिडन, आपको जो है ना वो जो चाहे वो कर दें। आप ये बताइए कितने व्यापारियों और कितने उन लोगों के ऊपर जो है ना चला जो है रेड करके और उनको उनके जो है ना अकाउंट सीज कर दिए गए, उनका सब कुछ सीज कर दिया गया और बाद में जो है अपीलेट अथॉरिटीज में मालूम पड़ा कि उनका टैक्सेशन वगैरह सब जो है ना 1/10 पे आ गया। तो जी, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो आप उस व्यक्ति को सस्पेंड करिए ना जिसने गलत कैलकुलेशंस की। Why he is not accountable? What about that? क्या वो रेड कंडक्ट करता है और वहां पे ढेर सारी संपत्ति जो है ना वो खुद चुरा के ले जाता है? Is he not doing the dacoity? जनता एक बात पूछती है हम लोगों से, कि किसको चुने? यदि और कोई नहीं तो नोटा को,
देखिए आप अगर हम ही देखिए कहते हो जनता देखो को, मेरा अगर कहना हमने है, नेता को देखिए देखिए दबाया बटन को। मेरा कहना देखो बड़ा सिंपल है, बहुत छोटी सी बात मैं कह रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि एक एलिमेंट रहे जो कि अवेकनिंग लाए और ये कहे कि हमें आजादी नहीं मिली है, अब हम काले अंग्रेजों के गुलाम हैं, और ये काले अंग्रेज जो है ये क्रिमिनल्स भी है। अभी 42% हैं, और ये 42% तब हैं जब इनके विरुद्ध अपराध कायम नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो भगवान बिल्कुल है, ठीक, राइट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जब जो है 2024 के बाद इनकी जो संख्या है जो है ना 50% से ज्यादा होगी, तब आपका क्या हाल होगा? तो हमें ये आजादी की लड़ाई लड़ना पड़ेगी, और जो फिफ्टी एट परसेंट बचे हैं क्या वो ऑनेस्ट हैं? वो ऑनेस्ट क्यों होंगे? वो तो लूट करने के लिए है। यदि वो ऑनेस्ट होंगे तो एक आपका सरपंच जो है ना बनते ही, जिसको 3,000 रुपए मिलते हैं और वो आपका स्कॉर्पियो और फॉर्चूनर और मालूम नहीं क्या क्या खरीद लेता है। अभी ईमानदारी की बात कहाँ हो रही है? आप ये देखिए जो रोड 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 पे बैठे हुए जो ना प्राय जो चीफ मिनिस्टर थे, आज उनके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की जो संपत्ति है, तो वो जी, आपको वो ईमानदार यही क्यों तो, दिख रहे हैं? आपको उनमें से एक भी ईमानदार दिख रहा है क्या? यही तो आपको जनता आपको के एक भी पास, सैंपल आप सूची बना लीजिए, ना आपको तो उनमें से एक भी ईमानदार हमारे दिख पास इसका जवाब है ना जनता के पास इसका जवाब है कि चुने किसको। देखो पहले तो ये है कि केजरीवाल चुन जो आया था नहीं, वो ये देखिए कह जैसे के मैं, आया था कि भाई मैं करप्शन दूर करूंगा। अरे एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो। वो तो उसका जो है ना, वही तो हमने कहा कि उसने वो नेगेटिव एक्सपीरियंस क्रिएट कर दिए हैं कि अब कोई दूसरा भी वही बात कहेगा तो लोग आप उसे सहसा मानेंगे ही नहीं। वो जो हमने कहा था ना कि दूध को जला छाछ को फूक फूक के पीता है, तो उसने तो आपको उस जगह पे धकेल दिया है कि देर विल बी लॉट ऑफ डिस्ट्रस्ट, गुम टू बिलीव। जनता किसके ऊपर विश्वास करे? नंबर वन। जी राइट सर, राइट सर, राइट सर। अभी अपन को जो है साहू जी ये बात समझना पड़ेगी कि हमें अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करना पड़ेगा, गांधी जी वाला। और जी एकदम ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये होगा कि ये हमारी पांच प्राथमिकताएं हैं, ये जब तक आप इनको अभी इनेक्ट नहीं करोगे तब तक हम ना तो आपके किसी फंक्शन में जाएंगे, ना आप कोई आम सभा अटेंड करेंगे, ना आपको कहीं बुलाएंगे, आपका बहिष्कार करेंगे। अपनी सामर्थ्य अनुसार जहां हम आपको घुसने से रोक सकते हैं वहां आप नको नहीं घुसने। और ये आपसे कोई बुराई नहीं है, ये चार चीजें कर दो तो आपका स्वागत है, हम आपके चरणों भी छूने के लिए तैयार है, ठीक है ना। जिसमें से एक बात तो ये होना चाहिए कि क्रिमिनल शुड नॉट बिकम द लॉ मेकर, दिस इज नंबर वन। करेक्ट। दूसरा होना चाहिए कि जो नोटा है उसको एक पॉलिटिकल एंटिटी माना जाए, और यदि नोटा जीतती है तो बचे हुए लोग जो है वो आने वाले 3 इलेक्शन के लिए इलिजिबल नहीं हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल ब्रिंग ए ग्रेट मोटिवेशन कि अरे साले सब दुष्ट हैं तो नोटा को जिता दो, साले इनकी टिकट बंद हो जाएगी, राइट। दैट विल क्रिएट ए लॉट ऑफ फरर। अभी तो उनको मालूम है कि साले नोटा को कितने भी वोट दे दोगे, हम कम वोट से जो है ना, जो जिसको 100 वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। तुम दे दो 5 लाख वोट को नोटा को, से क्या फर्क पड़ना है? वेयर इज द डिटरेंस? सो ये डिटरेंस लाई जाए। तीसरा ये लाया जाए कि जो तंत्र हमने सरकार से लिया है, हम जो है वी आर नॉट राइट फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि हम में से हर कोई बिकाऊ है, हम दिया चरित्र के लोग हैं, हमारा जो वैदिक जो वैल्यू सिस्टम था वो खत्म हो गया है, हम अत्यंत ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है जिसमें कि सरकार का सर्वाइवल इन तुच्छ चरित्र के क्रिमिनल लोगों के ऊपर है, कम से कम जो आपका मुखिया हो, चाहे वो प्रदेश का मुखिया हो चाहे वो देश का मुखिया हो, एक बार वो चुन लिया गया तो 5 साल जो है वो जिन
एजेंडा पॉइंट्स पे जो है ना चुना जाएगा, उसे जो है ना 5 साल स्थिर मिलना चाहिए, उन्हें इन घटिया चरित्रों के लोगों को प्लीज करके रखने की जरूरत नहीं होगी, नंबर वन. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट नीड टू बी डन. वी मस्ट मूव फ्रॉम प्रेजेंट सिस्टम टू द अनदर सिस्टम, क्योंकि अभी आप छोटे से एरिया में जीत के जो है ना बदमाशी करके डर दिखा के क्रिमिनल्स भी जीत जा रहे हैं. आप बताइए, आपका क्रिमिनल जो है ना क्या कोई ऑल इंडिया लेवल पे जीत के आ पाएगा? आएगा? आप हाँ नहीं में जवाब दीजिए. क्या आपके लालू महोदय जो है ना ऑल इंडिया लेवल पे जो है ना जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं जीतेंगे. अभी वो इटावा से जीत जाएंगे, मुलायम सिंह क्या जो है ना वो पूरे उत्तर प्रदेश से जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं जीतेंगे. नहीं. सो मेरा ये कहना है कि घटिया तरह के छोटे क्रिमिनल लोग जो है, जैसे ही जो है ना आपका एरिया ऑफ सिलेक्शन विल बी होल कंट्री, तो होल डायनामिक्स विल चेंज. देन तीसरा हमारा होना चाहिए, वी मस्ट गो फॉर द एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन. इसको आप कंफ्यूज मत करिए, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं. आई एम टॉकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन. ओके. तो एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन कैसे होगा? तो जब आपके जो है ना हर चीज जो है ना डिजिटल ट्रांजेक्शन से हो रहा है, तो आपकी वोटिंग जो है वो जो है एक ऐप के माध्यम से क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर. तेलंगाना स्टेट ने ऑलरेडी कर दिया है, मुझे बताया है. अच्छा, नंबर वन. नंबर टू, एक्सपेंडिचर ऑन कैनवासिंग शुड बी ए क्राइम. आप 1-to-1 जो है ना कैनवासिंग शुड ऑल्सो बी क्राइम. आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप किसी से प्राइवेसी में बात क्यों करना चाहते? आपको जो भी बात कहना है वो आपको ऑन रिकॉर्ड कहना होगा. हम किसी से जो है ना बिना रिकॉर्डेड बात नहीं करते हैं. डू यू नो दिस मिस्टर साहू एंड मिस्टर अग्रवाल? ओके. आई नेवर टॉक एनीबडी एनीथिंग ऑन ऑफ रिकॉर्ड. मेरे पास किसी से गप मारने के लिए समय नहीं. इवन इवन द प्रेजेंट टॉक इज बीइंग रिकॉर्डेड. ओके. आई जस्ट डोंट टॉक एनीबडी विदाउट बिना रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं उसको एक एनर्जी मानता हूं. और मेरा ये मानना है कि यदि मैं जीवित नहीं भी रहूंगा तो ये एनर्जी अपना खेल करेगी. बिल्कुल बिल्कुल सर. तो हमारा कहना है कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर शुड बी ए क्राइम. तो आप जो है, आप इतनी सारी डिजिटल चैनल हैं, आप जो भी कहना चाहते हैं वो ऑन रिकॉर्ड कहिए, राइट? एक कमेटी रहेगी, वो आपने क्या क्या कहा उसके जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट को करके लास्ट के 3 दिन आपको ग्रिल किया जाएगा. आपको जवाब देना पड़ेगा कि जो है ना आपने जो ये आश्वासन दे रहे हैं इसके लिए पैसा कहां से लाएंगे आप. यू कैन नॉट जो है ना जस्ट डिस्ट्रीब्यूट फ्रीबीज. फ्रीबीज यदि बांटते हैं तो आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी फंड से बांटिए ना. यदि हम इस तरीके की अकाउंटेबिलिटी लाएंगे और उनको देखिए, आप पब्लिक फिगर हैं, राइट? तो हम जो है ना मिस्टर अग्रवाल से जो है 1-to-1 बात क्यों करना चाहिए मुझे? भैया तुम भी बनिया, मैं भी बनिया, मुझे जिता देना, ऐसा? साहू जी यार तुम भी बनियो के नजदीक वाले हो, तुम भी मुझे जिता देना, ये बात कहना? क्या बात कहना है? तो क्यों कहना है? यू टॉक ऑन रिकॉर्ड. नाउ मल्टीपल चैनल्स आर पॉसिबल. टेक्नोलॉजी वहां पे पहुंच गई है. सो नो कन्वेंसिंग, नो फलाना, नो ये, नो वो, नो गाड़ियां, नो कटिंग, नो फलाना. जो कुछ भी कहना है हर किसी को रिकॉर्ड करिए, सबमिट करिए, दैट विल बी रिलेट. और आप 50 बार कहिए और जिस आपका इट विल बी रिलेट इन द ओनली एरिया ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट? एंड देन उसका एक्सट्रेक्ट क्रिएट किया जाएगा, आपको कन्फर्म किया जाएगा. यदि आप पहले जो है ना जीते वो हैं, तो आपने जो है ना क्या कमाल दिखाया है लेजिस्लेटिव असेंबली में और पार्लियामेंट में, उसके पूरा डिटेल निकाला जाएगा कि ये भाई साहब वहां सोते रहे, इन्होंने कभी एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा है. करेक्ट. आई मीन नाउ द पीपल शुड फील अबाउट इट. और जो है, जब आप जो 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 है ऐप के थ्रू आप वोटिंग करिए, जिसमें वो आपसे बहुत सारे टेस्ट भी ले लेगा. आप डरे हुए नहीं है, ये भी टेस्ट ले लेगा. वो ये भी कहेगा कि आपके आसपास कोई नहीं है, यू प्लीज जो है ना सो मी. वो देर कुड बी साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड अदर टेस्ट विच कैन सी दैट यू आर नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द लिकर, राइट?
अभी भी आपसे जो है ना कुछ ऐसे वो भरवाते ना चीजें, वो इसी चीज के लिए होती है कि आप कहीं शराब पी के तो नहीं पड़े हुए हैं और शराब पी के तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, और यू आर नॉट अर्नड एजुकेशन और यू आर नॉट रॉबर, तो दोस्त काइंड ऑफ दैट लिटिल मोर एलाबोरेट टेस्ट वुड बी देयर सर सर देन जो कैंडिडेट्स हैं इनके वीडियो देखो पूरा फुल, जब आप वीडियो देख लेंगे तब जो है ना यू विल बी एलिजिबल टू वोट। तो जो आपने जो है जो इनकी वो कॉन्टेस्ट किया फलाना किया उसके जो एक्सट्रैक्ट हैं वो जो है ना उनका एक्सट्रैक्ट क्रिएट करके 15 मिनट का 20 मिनट का आधा मिनट का जो कि मेन चीज है और दैट विल बी क्रिएटेड बाय द पीपल ऑफ द हाईएस्ट बॉडी, यदि उन्होंने जो है ऑब्जेक्टिवली उसे क्रिएट नहीं किया तो उसमें पनिशमेंट का जो है ना फंडा होना चाहिए, क्योंकि ये दुष्लोक तो हर किसी को जीत कर लेंगे ना, करना तो हमारे तरफ में आ गई है। हम अपराध करते हैं तो डॉक्टर को पटाने की कोशिश करते हैं, हम फॉरेंसिक साइंटिस्ट को भी पटाने की कोशिश करते हैं, हमें जो है ना कैसे बेल मिले हम उसको भी मैनिपुलेट, तो मैनिपुलेशन करना तो हमारे तरफ का हिस्सा। डू यू एग्री विथ मी? नहीं, एग्री तो ठीक है, लेकिन इसका